साबिक आईसीसी अंपायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ इंतकाल कर गए। असद रऊफ का इंतकाल हरकतें कल बंद होने की वजह से हुआ। असद रऊफ की उम्र 66 साल थी। उन्होंने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग की। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद आज पाकिस्तान पहुंचेगी। बादशाह खिलाड़ी मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 टी20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर को कराची से होगा। शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आज से शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मौजी मर्ज से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 18,785 टेस्ट किए गए, 117 नए केसेज रिपोर्ट। और नासा का छोटा स्पेस क्राफ्ट चांद पर जाते हुए मुश्किलात का शिकार। स्पेस क्राफ्ट के दर्जा हरारत में इजाफा, शमसी तवानाई से चलने वाले पैनल्स नाकारा। अमरीकी खलाई तहकीकती इदारे ने माइक्रोवेव ओवन की जसामत जितना 25 किलोग्राम का ये स्पेस क्राफ्ट 3 करोड़ डॉलर में तैयार किया था।